आप लोग देख रहे हैं भाऊ एक्सप्रेस, और इस समय हम बड़ी ब्राह्मणा में हैं, जहां पर अगर परसों रात की बात करें तो 12:30 बजे चोरी की वारदात को है अंजाम दिया गया। वहीं यहां पर बड़ी ब्राह्मणा की बात करें या इससे आगे दोलियां के एरिया की बात कर लें, इन दोनों जगह पर जो चोरी करने वाले थीफ थे वो दोनों के दोनों एक ही थे। दोनों जगह पर चोरियाँ एक ही व्यक्ति ने की हैं। और यहाँ पर हम यहाँ स्थानीय लोग जिनकी दुकान पर चोरी हुई है उनसे हम बात भी करेंगे। परसों रात का 12:30 बजे का मामला है, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है तो लोग जल्दी ही दुकानें बंद कर लेते हैं, जहाँ 7 बजे तक का टाइम है, 7 बजे के बाद जो लोग अपने घरों में पहुँच जाते हैं, और वहीं कहीं ना कहीं चोरों को एक समय मिल जाता है चोरी को अंजाम देने का। इन्होंने यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी लगाई हुई थी। आइए चलते हैं, पहले सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, फिर यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं। साफ तौर पर आपने सीसीटीवी के फुटेज में देखा कि किस तरीके से चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। आइए चलते हैं, दुकानदार से बात करते हैं जिनसे हमने सीसीटीवी फुटेज ली। सर, परसों रात 12:30 बजे का मामला है, सीसीटीवी फुटेज आपने हमें प्रोवाइड की, क्या लगता है कि लॉकडाउन की वजह से 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, एक मौका जो है चोरों को मिल जाता है चोरी करने का, और कल कितने बजे पुलिस यहाँ पर आई और क्या क्या चीज़ें आपकी चोरी हुई है? नमस्कार, ये हमें रात को ही हमारे कुलीग थे यहाँ पर, वो डॉक्टर हैं, विशेष डॉक्टर हैं, वो कहीं पेशेंट देखकर 1:30 बजे की बात है, वो आए हमारे पास, वो मैसेज फ़ोन किया उन्होंने मुझे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे नोन में थे कि आपका शटर उखड़ा हुआ है, तो मैं शॉक में रह गया, 1:30 बजे की बात थी, तो मैं तुरंत आया अपने बेटे को साथ में लेकर आया, मैंने देखा तो शटर मेरा 4 फुट ऊपर उड़ चुका था, मतलब लॉक लगे हुए थे, सेंटर से उन्होंने उसको उठाया हुआ था, तो हम थोड़े परेशान हो गए, फिर हमने टॉर्च मार के देखा कोई अंदर तो नहीं घुसा हुआ जी, बेसिकल अंदर कोई मिला नहीं हमें, वो मेरी नज़र में वो लेकिन जाम करके चले गए हैं। फिर हमने दूसरी दुकान खोल के मैंने अपने बिटकला फुटेज देखते हैं कि कितने बजे की काम है, ये कोई 12:30 बजे का ये इन्होंने हरकत करना स्टार्ट कर दी थी। तो पुलिस को आपने कब बताया और पुलिस कितने बजे यहाँ पर आई सीसी फुटेज निकालने के लिए? रात को तो हम किसी को बोले नहीं, शटर फिर हमने इसको तोड़ ताड़ के सीधा किया, थोड़ा सीधा करके, ताकि हम रात को जाके सुबह उठ के मॉर्निंग में हम जाके रिपोर्ट करेंगे। फिर सुबह जैसे ही हम तुरंत 8:00 बजे दुकान खोलने आ गए, तो थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इसमें 3-4 और चोरी हो चुकी थी, वो भी कंप्लेंट वहाँ पर जा चुकी थी पुलिस स्टेशन, तो उनकी गाड़ी ठीक हमारे पास 9 बजे वहाँ पर पहुँच गए, तो उन्होंने पिक ली है हमारी दुकान के शटर की पिक वगैरह ली थी, तो फुटेज उस वक्त दुकानें बंद थी, तो मैंने बोला कि रिकॉर्डिंग करके हम आपको जो भी है फुटेज भेज देंगे, इतने की इतने वो हमने उनके बाद में हमने भेजी है। ये परसों रात 12:30 बजे जिस तरीके से आपने कहा 12:30 बजे के टाइम ये चोरी हुई है, अभी तक किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है? नहीं, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया हमारी जो अभी तक नॉलेज में है। बेसिकल वो जब आए थे जहाँ पर, वो कोई कैश के चक्कर में आए थे, अंदर तो सामान सुन तो बिखरा था, पर उन्होंने सामान कोई लेकर गए नहीं यहाँ से, तो वो सिर्फ मैक्सिमम हमने देखा है जो उनका तरीका था, जिस तरह के सर्च कर रहे थे मोबाइल जला के, अंदर से एक दो बाहर खड़े थे, एक अंदर था, उनका मकसद ये था, वो देख रहे थे काउंटर कहीं गला शला कहाँ, क्योंकि कैश तो आजकल मैक्सिमम कोई रखता नहीं जी। तो इसलिए उसी मकसद से आए थे, फिर उनको जहाँ पर कुछ मिला नहीं तो वो आगे नेक्स्ट दुकान पे चले गए, वो भी हमारे पास ही है, वो ये हमारे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुराग शर्मा है। परसों रात सेम टाइम पर आपके वहाँ भी चोरी हुई? जी जी जी। क्या क्या चीज़ें चोरी हुई हैं? सर चोरी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने डैमेज काफ़ी कर दिया, शटर पूरा ख़राब हो गया है, एल्युमिनियम शीट काट के वो अंदर गए हैं, वो भी डैमेज है, और लॉकर मेरा उन्होंने बाहर निकाल दिया हुआ था। सुबह मुझे करीब 5 बजे पता चला था, किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आपकी दुकान का शटर आधा
खुला हुआ है। तो जब मैं आया तो मैंने देखा तो वो शटर पूरा डैमेज करके सेंटर में से उठा दिया हुआ था उन्होंने। और शीट का किसी चीज़ की नहीं, किसी चीज़ की चोरी नहीं। उन्होंने लॉकर खोला हुआ था, उसके अंदर से जो सामान था वो निकाल दिया था, डॉक्यूमेंट्स बाहर थे, लेकिन मैंने कैश रखा नहीं था कोई अंदर। तो मोटिव उनका कैश का ही था कि कैश जितना मिल जाए तो वही। तो ये इनकी सेकंड बारी है, सेकंड बारी हो चुका है, इससे पहले भी चोरी हुई है। आज से 3 साल पहले भी मेरे साथ यही हुआ था, तब मेरे पास कैश था कोई नियर अबाउट 5000, वो मेरा चोरी हो गया था। तो आपने कोई अपनी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा कुछ लगाया? नहीं, अभी सीसीटीवी वो तो नहीं है मेरे दुकान के बाहर। आप दोनों के अलावा और कहाँ कहाँ सेम डे पे चोरियाँ हुई हैं? क्योंकि 1 किलोमीटर आगे और है जी, विक्की की शॉप है जी, वो भी किराना शॉप है नियर ग्लास प्लांट। फिर उसके आगे एक सैनी गैलेक्सी शोरूम है, उनके साथ भी कोई शॉप है किराने की, नाम नहीं मुझे एग्जैक्ट पता, ये हाली 1.5 किलोमीटर है। फिर उसके बाद जो सेकंड फुटेज हमने देखी है, क्योंकि हमें भी तो विजयपुर से हमें मिली है जी, और मैंने अपनी फुटेज और उस उनकी फुटेज से ये मैच किया कि लड़के सेम थे, और हमारी दुकान पे 3 बंदे थे और वहाँ पर वो 4 दिख रहे थे। और फिर हमने शंका हुई कि राय मोड़ पे है एक स्वीट शॉप है, वो उसकी कंप्लेंट विजयपुर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, उसकी भी वहाँ भी उन्होंने कंप्लेंट कर चुके हैं। तो ये 12:30 बजे के लेकर वो हाली 2:30 बजे तक उन्होंने ये बात, और मैं कहा वहाँ पर कैश लेते देखा गया। तो ये है कि 3-4 दुकानों पर इन्होंने किया है, वो वहाँ की क्या क्या क्या, क्या कंडीशन है चोरी, वहाँ भी हमने ये सुना कि कुछ नहीं किया उन्होंने, कि मकसद था उनका कि पैसे के लिए। और हमारा ये प्रशासन से है कि ये वारदातें सर ऐसे आगे भी होती रहेंगी, मुझे लग रहा है जिस कंडीशन से निडर होके हमें लग रहा था निडर होके वो काम कर रहे हैं, जैसे इनका पीछे कोई बड़ा गैंग है। तो भी अगर इधर 3 हैं 4 हैं, इसका मैं 2-3 बंदे और होंगे उनके साथ, तो ये आए दिन अगर ऐसे चलता रहे तो ये तो सर मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरा परेशानी है, दूसरा नंबर की लॉकडाउन है, परेशानी है ना, बड़ा काम काज है ही नहीं, तो ऊपर से ये हो जाएंगे तो 5-7 हज़ार का ज़्यादा नहीं, हम बोलते हैं नुकसान शटर का तो है ही है। तो ये साफ तौर पर इन्होंने कहा कि एक तो COVID-19 चल रहा है, ऊपर से कामकाज बिल्कुल ठप है, और ये चोरियों को अंजाम ये पहली बार यहाँ पर नहीं हुआ, आगे भी यहाँ पर चोरियाँ हुई हैं। और परसों रात 12 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक की बात करें, यहाँ पर 2 दुकानें राय की तरफ अगर बात करें, राय मोड़ की तरफ, वहाँ पर भी चोरी हुई हैं। तो ये 4-5 जगह चोरियों को अंजाम दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारे पास जो CCTV फुटेज है और जो CCTV फुटेज राय मोड़ की है, दोनों की फुटेज जो है वो बिल्कुल सेम व्यक्ति नज़र आ रहा है। अब देखना ही होगा कि पुलिस कब तक उस व्यक्ति को पकड़ पाती है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल चल रही है, और इनको यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए, और कम से कम पुलिस इस यहाँ पर इन एरियाज पर ज़्यादा हरकत में रहे, ताकि ये चोरियों को अंजाम ना दिया जाए। बहुत सी चोरियों को अंजाम, बहुत से ऐसे क्राइम जो हैं खासकर COVID-19 के चलते हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर आप देख रहे हैं कि COVID-19 के चलते जितनी महामारी COVID-19 की फैल रही है, यहाँ पर लोगों का कामकाज बिल्कुल ठप है, और वहीं पर चोरों को मौका मिला है कि कहीं ना कहीं हम इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। हमारे भी डिपार्टमेंट से यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ें, और जो भी नुकसान इनका हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाए। जुड़े बहुत से साथ राहुल खत्री, बहुत से लिए।